हेलो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम हाफ पिरामिड के मिरर इमेज वाले पैटर्न को ड्रॉ करना सीखेंगे। अभी हमारा बिल्कुल बेसिक्स चल रहा है। इस पैटर्न डिजाइनिंग वाली सीरीज में हमने सबसे पहले हाफ पिरामिड देखा, उसके बाद हॉलो हाफ पिरामिड देखा, उसके बाद हमने उस पिरामिड को इन्वर्टेड फॉर्म में देखा, उस इन्वर्टेड पिरामिड को फिर हमने हॉलो करके देखा। अब हम उस हाफ पिरामिड की मिरर इमेज को ड्रॉ करेंगे। जो लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं वो एक बार इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। ओके, तुम्हारा हाफ पिरामिड दिखता कैसा? हमारा हाफ पिरामिड दिखता है कुछ इस तरीके से। ओके, नो डाउट, अगर हम इस हाफ पिरामिड के सामने रख देते हैं एक मिरर, तो उस मिरर में जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ओके, तो हमें कौन सा पैटर्न डिजाइन करना है? हमें पैटर्न डिजाइन करना है ये वाला। ये वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें डिजाइन करना है ये वाला। ओके, तो इसको डिजाइन करने से पहले हम चलते हैं अपने मैट्रिक्स फॉर्म में, एक 2D मैट्रिक्स या फिर आप बोल सकते हैं 2D एरे की फॉर्म में, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके कि किस किस ब्लॉक पे ये स्टार प्रिंट कर रहा है और किस किस ब्लॉक पे हमें स्पेस प्रिंट करवाना है अपने प्रोग्राम से। ओके, तो चलिए अगर हम बात करें, इस बार हम फर्स्ट रो से ना जा करके लास्ट रो से ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं गया अपनी फिफ्थ रो पर। फिफ्थ रो का फर्स्ट कॉलम प्रिंट होगा ऑब्वियसली, फिफ्थ रो का सेकंड कॉलम भी प्रिंट होगा, फिफ्थ रो का थर्ड भी प्रिंट होगा, फिफ्थ रो का फोर्थ एंड फिफ्थ रो का फिफ्थ कॉलम भी प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद जब हम जाएंगे अपनी फोर्थ रो पर, तो फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम प्रिंट नहीं होगा, उसके बाद प्रिंट होगा फोर्थ रो का सेकंड कॉलम, फोर्थ रो का थर्ड कॉलम, फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो का फिफ्थ कॉलम। फोर्थ रो के फर्स्ट कॉलम पर स्टार की जगह पर हम प्रिंट कराएंगे व्हाइट स्पेस। ओके, हम यहाँ पर स्टार इसलिए प्रिंट करा रहे हैं क्योंकि हमारे पैटर्न की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो स्टार है। अगर आप इसे किसी अल्फाबेट में प्रिंट करा रहे हैं तो आप उस अल्फाबेट को रख सकते हैं, आप किसी नंबर को प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप वो नंबर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टार ले रहा हूँ। ओके, उसके बाद जब आप अपने थर्ड रो पे जाएंगे तो थर्ड रो पे ये सेकंड और फर्स्ट कॉलम को प्रिंट नहीं करेगा, वहां पर स्पेस प्रिंट होगा। हम स्टार प्रिंट कराना स्टार्ट करेंगे थर्ड रो में थर्ड कॉलम से, उसके बाद फोर्थ एंड देन फिफ्थ कॉलम तक ये प्रिंट करेगा। ओके, जब हम अपने प्रोग्राम में पहुंचेंगे सेकंड रो पर, तो सेकंड रो पर हमारा प्रोग्राम प्रिंट करना चाहिए थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम को एंड देन फिफ्थ कॉलम को। और जब हम अपने प्रोग्राम को फर्स्ट रो पर रखेंगे, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम फर्स्ट रो पर होगा, तब ये प्रिंट करेगा फिफ्थ कॉलम पर। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इस तरीके से वैल्यूज को प्रिंट करने स्टार्ट करेगा। नो डाउट, उम्मीद है आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, आप खुद से ट्राई भी कर रहे होंगे अब लॉजिक बनाने की कि हम किस तरीके से इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम में अपने प्रोग्राम की बेस टेम्पलेट को लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर इंक्लूड की हुई है अपनी हेडर फाइल्स stdio.h एंड conio.h, ताकि मैं लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज कर सकूँ। उसके बाद मेन फंक्शन है आई जे के वेरिएबल की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं के वेरिएबल को हटा देता हूँ। आई जे और लेंथ नाम के मैंने तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाए हैं, और लेंथ के अंदर मैं यूजर के थ्रू एक लेंथ इनपुट करा रहा हूँ, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करा रहा हूँ, और वो इंटीजर टाइप की वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे इस पैटर्न की वर्टिकल हाइट, वर्टिकल लेंथ कितनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के मेन लॉजिक को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमको रो ट्रेवर्स करनी है, तो रो वन से लेकर के कहाँ तक होगी जितनी हमने लेंथ दी हुई है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कमेंट भी कर देता हूँ, ये आउटर फोर लूप है, क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग रोज। ओके, हम पहली रो के अंदर गए, अब हम गए कॉलम्स के अंदर, अब हमको जाना है कॉलम्स के अंदर, तो वही सेम चीज, कितने कॉलम्स होंगे, हम अभी पांच ही कॉलम्स ले रहे हैं। सबसे बढ़िया मेथड यही है कि आप जितनी लेंथ की वर्टिकल हाइट दी हुई है, आप उतनी ही लेंथ की हॉरिजेंटल विड्थ भी ले लीजिए, उसके बाद बस हमको जहां स्टार प्रिंट कराना है वहां स्टार प्रिंट करा देंगे, और जहां अपने को व्हाइट स्पेस प्रिंट कराना है वहां पर व्हाइट स्पेस प्रिंट करा देंगे। ओके, तो मैं लिख देता हूं इनर फॉर लूप कंट्रोलिंग
क्या कंट्रोल कर रहा है हमारा अंदर वाला फोर लूप, कॉलम्स को एग्जैक्टली पहुंचे हम अपने कॉलम के अंदर। अब आप लोग अगर गौर से देखो, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लॉजिक को क्रैक कर लिया हो कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, फिर भी मैं एक बार अपना लॉजिक बता देता हूं कि मैं इस प्रोग्राम को किस तरीके से सॉल्व कराने वाला हूं। सबसे इजीएस्ट मेथड जो मुझे लगता है कि इस मेथड को सीखने के बाद किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, तो मैं यहां पर दो वेरिएबल्स को ट्रेस करूंगा, एक अपने आई को और एक अपने जे कॉलम को। आई क्या कर रहा है, रो में, और जे क्या कर रहा है, कॉलम को ट्रेस कर रहा है। ओके, जब आई की वैल्यू हुई 1 तो जे किस कॉलम में प्रिंटिंग कर रहा है, फिफ्थ कॉलम में ओनली। जब आई की वैल्यू हुई 2 यानी जब हम सेकंड रो पर पहुंचे तो जे कौन कौन से कॉलम में प्रिंट कर रहा है, फोर्थ कॉमा फिफ्थ में। जब आई की वैल्यू हुई 3 तो जे कौन कौन से कॉलम में स्टार प्रिंट कर रहा है, थर्ड कॉमा फोर कॉमा फिफ्थ। आप देख सकते हैं ऊपर वाली मैट्रिक्स में जब आई की वैल्यू 3 है तो 3 3 3 4 और 3 5, यानी कि कॉलम की वैल्यू क्या है, 3 4 5। ओके, जब आई की वैल्यू 4 हुई तो जो हमारा जे है वो कौन कौन से कॉलम में वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, 2 3 4 5। और जब हमारी रो की वैल्यू हुई 5 तो जे जो प्रिंट हो रहा है, मतलब स्टार प्रिंट कर रहा है हमारा जे लूप, वो कर रहा है 1 2 3 4 5। ओके, एनी डाउट? नो, आई नो। ओके, तो अगर आप ठीक से देखें तो हमारी ये जो जे स्टार्ट हो रही है वो हम बोल सकते हैं, एक कंडीशन डाल सकते हैं इसमें कि जब हमारा जे क्या होगा, लेंथ माइनस आई के बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा। अगर हमारी जे की वैल्यू लेंथ माइनस आई से बड़ी होगी, हमारी लेंथ क्या है 5, आई क्या है 1, 5 माइनस 1 4, और हमारी ये जो जे की वैल्यू जब 4 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी अगली जे की वैल्यू क्या होगी 5, तो तब ये प्रिंट करेगा। ओके, जब हमारी आई की वैल्यू हुई 2, लेंथ कितना है हमारे पास 5, आई की वैल्यू 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आया 3। दैट मीन्स जब हमारे जे की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तब ये स्टार को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो 3 से बड़ी कौन कौन सी वैल्यू होंगी, एक हमारी 4 और एक हमारी 5। जब हम आई की वैल्यू 3 पर पहुंचेंगे तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ माइनस आई, लेंथ कितना है 5, आई की वैल्यू कितनी हुई अभी 3, दैट मीन्स कितना आया 2। तो 2 से जो बड़ी वैल्यूज है वो कौन कौन सी है, 3 4 5। तो जे की वैल्यू, जे हमारा तीसरे कॉलम में, चौथे कॉलम में और पांचवे कॉलम में स्टार प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि ये तीनों वैल्यू अब 2 से बड़ी हैं, लेंथ माइनस आई से बड़ी हैं। तो हम यहां पर सिंपली एक कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ जे हमारा जब लेंथ माइनस आई से बड़ा होगा तो ये हमें क्या प्रिंट करके दे देगा, स्टार, हमारे पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू। और अगर ये वाली कंडीशन मैच नहीं होती है तो ये हमें प्रिंट करना चाहिए स्पेस, और तब हमारा पहला रो कंप्लीट हो जाएगा, पहले रो के सारे कॉलम्स में ट्रेवर्सिंग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, न्यू लाइन करेक्टर की मदद से नई लाइन पर आ जाएंगे ताकि हम अगली रो को अगली लाइन से स्टार्ट कर सकें। ओके गाइस, तो यहाँ हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया है, एक बार इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या हमें हमारा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, जिस रिजल्ट के लिए हम लॉजिक बना रहे हैं क्या ये फिट हो रहा है, बिल्कुल। ओके, तो 5 के लिए तो ये वर्क कर गया क्योंकि हमने 5 को एग्जाम्पल लेके चला था। अब हम देखते हैं कि क्या ये किसी और इनपुट पर भी वर्क कर रहा है या नहीं। अगर ये नहीं कर रहा तो दैट मीन्स हमारा ये जो लॉजिक है वो यूनिवर्सल लॉजिक नहीं है, यानी कि किसी भी नंबर पे वर्क नहीं करेगा, ये सिर्फ 5 पे वर्क करेगा। लेकिन अगर ये किसी भी नंबर पे वर्क कर जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, इस तरीके के पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए ये एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। तो इसने 20 पर भी हमें वही पैटर्न प्रिंट कर दिया।
एक बार और रन करके देखते हैं हम किसी अलग वैल्यू के लिए। ओके, मैंने इस बार लिया 36, तो इसने 36 पर भी हमें हमारे पैटर्न की रिक्वायर वैल्यू प्रिंट करके दे दी। मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि ठीक से दिख जाए, ये देखिए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमने लॉजिक ड्रॉ किया है, ये जो लॉजिक हमने बनाया है, वो एक यूनिवर्सल लॉजिक है इस तरीके के पैटर्न को सॉल्व करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पैटर्न की रिक्वायर वैल्यू स्टार ना होकर के ए हो जाए, तो ये अब हमारे पैटर्न को ए की फॉर्म में दिखाएगा। दैट मीन्स ए ए ए ए इस तरीके से। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अभी हम बेसिक से पैटर्न को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर हम थोड़े एडवांस पैटर्न की तरफ जाएंगे। हम इसमें कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले इंटरेस्टिंग पैटर्न के साथ। थैंक यू गाइस।